हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VT अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन में। तो सर, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो आपका पपी है, जो डॉग है, वो हाई क्वालिटी का है या नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखना सर, आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ताकि आप एक अच्छा पपी बाय कर सकते हैं। और इसमें मैं वीडियो के एंड में एक नंबर ही बताऊंगा जिससे आप 100% गारंटेड क्वालिटी के पपी खरीद सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है सर, हाई क्वालिटी का पपी क्या होता है। सर, आप जब भी पपी लेने जाएं तो आप पहले जिस भी ब्रीड का पपी आपको पसंद हो, चाहे जर्मन लैब कुछ भी हो, रोड व्हीलर पग, आप उसके बारे में सर पहले एक बार नेट पर सर्च कर लें। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप एक अच्छा पपी खरीद सकते हैं। या आपके पास है, आप उसकी वीडियो फ़ोटो नेट से देख सकते हैं सर, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। उसके बारे में जान सकते हैं कैसे कोट होते हैं उसके, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन है, पूरी ऑल अबाउट उसके बारे में आप देख लीजिए। यूट्यूब पे कई वीडियो हैं सर, आप उसके डॉग के बारे में पूरा नेचर बिहेवियर सब जान सकते हैं। सर, पहला पॉइंट तो ये था कि आप उसके बारे में जान के जाइए, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा आपको पपी ख़रीदने में कि आपकी इसमें आपको अच्छा ब्रीड का पपी मिलेगा, आप इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सर, दूसरा पॉइंट है, आप जब भी पपी ख़रीदें तो KCI पेपर ज़रूर होने चाहिए। सर, KCI पपी जो होता है वो महंगा मिलता है, उसका बजट जो है हाई है, क्योंकि कैनल क्लब ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर होता है, आप उसको 100 में भी उतार सकते हैं सर। लेकिन जो KCI में रजिस्टर्ड डॉग होता है सर, उसकी जो 100% क्वालिटी की गारंटी होती है सर, वो 100% जेन्युइन क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। उसकी पूरी लाइन, जो उसका फादर था, जो उसकी मदर थी, ग्रैंडफादर था, ग्रैंड मदर थी, पूरी लाइन सर उसके पेपर में रजिस्टर्ड होती है, लिखी हुई होती है, उसमें माइक्रोचिप इंजर्ड होती है। सर, आप कहीं भी अपने पपी को 100 में भी उतार सकते हैं और 100% आपको जेन्युइन एकदम हाई क्वालिटी का पपी विद पेपर में मिलता है, उसमें आपको सर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती। और सर, तीसरा पॉइंट, जब भी आप पपी लें तो उसका सर नेचर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके बोन्स, उसका फेस, उसका फिगर देखकर पपी लें। जो हैवी बोन पपी होता है उसके जो बोन्स होते हैं, फ्रंट के लेग और बैक के लेग मोटे मोटे होने चाहिए सर। जो उसका फेस होता है सर वो हैवी, आम पपी से देख लोगे आप सर, आप फ़ोटो लेके जाना, नेट से डाउनलोड कर लेना, आप कंपेयर भी कर सकते हो कि आपका पपी जो आप क्वालिटी लेना चाहते हो उससे मैच करता है या नहीं करता। और आपको एकदम हैवी पपी लेना है, अच्छा पपी लेना है, और सर आप देख लेना उसका फेस जो होगा अलग से ही सर, आपको दूर से ही पपी दिख जाएगा कि ये हाई क्वालिटी का है, उसका फेस है होगा हैवी होगा। वो अगर आप जर्मन शेफर्ड लेते हैं, एंगुलेशन होगा, उसकी टेल जो ज़मीन से छुप रही होगी, कान खड़े होंगे, हैवी बोन पपी होगा, हेल्थी होगा, उसके बोन मजबूत होंगे। तो सर, ये कुछ टिप्स थे आपको हाई क्वालिटी के पपी लेने के लिए। और सर, जो लो क्वालिटी पपी होता है उसमें सर कोई भी KCI पेपर नहीं आता, लो क्वालिटी पपी में कभी कोई KCI पेपर नहीं आ सकता, और कोई भी ब्रीड की गारंटी नहीं लेता, नहीं उसकी लाइफ की गारंटी तो सर कोई नहीं लेता, उसकी जो क्वालिटी की गारंटी है उसकी भी गारंटी कोई नहीं लेता। और सर, जो लो क्वालिटी के पपी हैं वो आप सर दूर से ही देख के पता चलाएगा, पपी लूज़ होगा, एक्टिव नहीं होगा सर, जो उसके बोन्स हैं वो भी लो होंगे, पतले होंगे, और जो उसका फेस है, जो फेस का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी जो आप हाई क्वालिटी है उससे अलग होगा एक तरह से। उसका कलर भी आपको कम मतलब फेडेड कलर होगा, लाइट कलर में होगा, और कुछ भी मतलब उसमें आपको दूर से ही देख के पता चल जाएगा कि आपका पपी लो है या जो पपी दिखा रहा है वो लो क्वालिटी का है। क्योंकि ब्रीडर हमेशा लो क्वालिटी का पपी या पेट शॉप वाले या किसी से भी लें, लो क्वालिटी के पपी को हाई क्वालिटी का पपी बताकर बेच देते हैं। तो सर, इससे बहुत सतर्क रहें कि आप कभी भी, पहली बात, 35 डेज से नीचे पपी कभी मत बाय करना, क्योंकि सर वो ग्रो नहीं हो पाता ढंग से इसलिए। और सर, जो लो क्वालिटी का पपी होता है उसे भी बाय मत करना, क्योंकि सर आगे जाके फिर आपको दिक्कत आएगी, उसका कैल्शियम, मल्टी विटामिन्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मल्टी विटामिन्स, और सर उसका कोट के लिए, और सर उसकी हेल्थ के लिए सर बहुत खर्चा हो जाएगा, आप इतना नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और जो सर हैवी बोन का पपी होता है, आपको उसको कुछ नहीं करना, ओनली उसकी केयर करनी है, नॉर्मल फीड पर रखना है, वो उसी पर ग्रो होगा, बहुत अच्छा ग्रो होगा जो हाई क्वालिटी का पपी है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम हैवी होगा, अच्छा मजल बनेगा, अच्छा हैवी फेस, हैवी लेग्स होंगे, उसका जो बालों का है, लॉन्ग कोट में लो, डबल कोट में लो, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और जो आप नॉर्मल क्वालिटी का लोगे तो सर उसके ना तो बाल अच्छे, आप उसका बिहेवियर का भी पता नहीं लगा सकते कि वो कैसा बनेगा, और
फ्यूचर में जाके वो कैसा बनेगा या कैसा उसका ग्रो होगा, आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो सर जब भी आप अपी लें तो हमेशा हाई क्वालिटी का ही लें। तो सर मैं समझ गया हूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे कि हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी में पपी में क्या अंतर होता है। तो सर आपको अगर पपी बाय करना है 100% क्वालिटी की गारंटी के साथ, तो सर 8368081546 इन फरीदाबाद, ऑल ब्रीड पप्स अवेलेबल, आप सभी ब्रीड के पपी ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक पर किस पर वीडियो देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।